मायावती जी, जब से ये मैंने बैलगाड़ी खरीदी है तब से बहुत काम आसान हो गए। अब देखो, अगर खेतों से चारा लाना होता है या अनाज लाना होता है खेतों से, तो इसी बैलगाड़ी पे रख के ले आओ। लेकिन मम्मी जी, एक बात तो सुनो, आप इस बैलगाड़ी को मुझे चलाने के लिए क्यों नहीं देती हो? आप खुद ही चलाती रहती हो, ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। अरे मेरे बेटे राहुल, अभी तू इस बैलगाड़ी को चलाना नहीं जानता, ये बैल तुझे सही तरीके से नहीं जानता है। तू बैलगाड़ी को रोड से दाएं बाएं लेके चला जाएगा, कहीं टकरा देगा। अगर मैं तुझे बैलगाड़ी चलाने के लिए दूंगी। मम्मी जी, ऐसे कैसे दाएं बाएं बैलगाड़ी को लेके चला जाऊंगा या कहीं टकरा दूंगा? ये बैल है, देखो रोड पे सीधा चल रहा है, ऐसी चलता रहेगा। आप भी तो चला रही हो। बेफालतू की बात करती हो मम्मी जी, आप मुझे बैलगाड़ी चलाना सिखाना चाहती ही नहीं हो। अरे नहीं राहुल जी, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बहन सोनिया जी बैलगाड़ी को जिस तरीके से चला रही है, तुम देखो फिर उसी तरीके से कुछ दिन बाद तुम चलाना। अरे बहन सोनिया जी, सामने देखो मोदी जी खड़े हैं, बैलगाड़ी को रोकवा रहे। अरे बहन सोनिया जी, बैलगाड़ी को रोक लो, यहीं पर रोक लो। बोलो मोदी जी, क्या बात है बताओ? अरे बहन सोनिया जी, इस बैलगाड़ी को कब खरीद लिया तुमने? ये तो काफी अच्छा बैल दिख रहा है, मजबूत बैल है, ये तो अच्छा वजन खींच सकता है। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस बैलगाड़ी की तारीफ की। इस बैलगाड़ी को खरीदे हुए कुछ ही वक्त हुआ है, अभी जल्दी में मैंने खरीदी है। लेकिन बहन सोनिया जी, तुमने एक बैल की बैलगाड़ी क्यों खरीदी? दो बैलों की बैलगाड़ी खरीदती तुम? मोदी जी, मेरा इतना बड़ा काम कहाँ पर है, एक बैल से ही काम चल जाता है। ये एक बैल ही घर की खेती बाड़ी को कर लेता है। मेरी कोई इतनी फसल थोड़ी है, 2 बीघा खेत की जमीन है। चलो वो सब तो छोड़ो बहन सोनिया जी, अपनी इस बैलगाड़ी पे बैठा के गांव तक ले चलो। गांव से यहाँ खेतों तक मैं पैदल ही आया था, अब तुम्हारी बैलगाड़ी पे वापस लौट चलता हूँ, बैठा लो। बैठ जाओ मोदी जी, कैसी बात करती हो, बैठ जाओ, आ जाओ बैलगाड़ी पे आके बैठ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन सोनिया जी। लेकिन सोनिया जी, एक बात बताओ, इस बैलगाड़ी को राहुल को चलाने के लिए क्यों नहीं दे रही हो? आप खुद चला रही हो। देखा मम्मी जी, मोदी जी भी कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं मुझे चलाने को बैलगाड़ी को? मोदी जी, ये मम्मी जी मुझे बैलगाड़ी चलाने को दे ही नहीं रही है, कह रही है कि मैं टकरा दूंगा कहीं पे। मोदी जी आप भी बेफालतू की बात करते हो, बैलगाड़ी पे बैठना है तो बैठो, नहीं तो ऐसी पैदल जाओ। और बैलों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मजा आ गया आज तो, दावत इतनी खाई मैंने, लेकिन आपकी इस दूध की दावत में मजा आ गया, बहुत गजब का दूध है आपका। लेकिन लालू जी, थाली में थोड़ा सा दूध और दे दो। देखो राहुल, सबको 250-250 ml दूध दिया है मैंने थाली में, इतना ही दूध आराम से पियो और सेहत बनाओ। लेकिन लालू जी एक बात बताओ, इससे पहले तो आप खाने की दावत पर बुलाते थे, आपने अचानक ये दूध की दावत पर क्यों बुलाया? और ये 250-250 ml दूध तो कम है, कम से कम सबके लिए आधा आधा लीटर तो दूध होना ही चाहिए था। देखो मोदी जी, इससे पहले तो मैं वाकई में खाने की दावत पर आप लोगों को बुलाता था, लेकिन आज मैंने दूध की दावत पर इसलिए बुलाया आपको क्योंकि मैं एक नई भैंस खरीद के लाया हूँ और वो बहुत ज्यादा दूध दे रही है। तो मैंने सोचा रोज तो दूध मैं बेचता ही हूँ, आज एक दिन के लिए सब लोगों को दावत पर बुला देता हूँ और सबको दूध पिला दूंगा, एक दिन का दूध नहीं बेचूंगा। लेकिन बाल लालू जी, आपकी भैंस का दूध पीकर मजा आ गया, इसी तरीके का डाला दूध हमें भी देना। लालू जी एक बात बताऊँ, आप बुरा मत मानना, जब हम आपसे दूध खरीदने के लिए आते तब आपका दूध पतला होता है, लेकिन आज दावत पे जो आप दूध पिला रहे हो ये तो बहुत गाढ़ा है, ऐसा लग रहा है दूध को पीते ही रहो। ऐसा कुछ नहीं है अखिलेश, ये सोच सोच की फर्क है, मैं तो हमेशा बिना पानी के दूध भेजता हूँ, दूध में बिल्कुल पानी नहीं मिलाता हूँ। कल से आप लोग मेरे घर पर दूध लेने के लिए आना। लेकिन लालू जी एक बात बताओ, आप कितने रुपए लीटर दूध बेच रहे हो अपनी भैंस का? योगी जी 80 रुपए लीटर दूध बेच रहा हूँ अपनी भैंस का मैं। लेकिन लालू जी एक बात मैं आपसे कह देता हूँ, जैसा दूध मैं पी रहा हूँ ऐसी दूध मुझे चाहिए। अखिलेश सही कह रहा है, आप इस टाइम तो गाढ़ा दूध पिला रहे हो, लेकिन जब हम कल दूध लेने के लिए आएंगे तो आप हमें पतला दूध देंगे पानी मिलाकर। देखो योगी जी, आपके मन में अगर शंका है कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ तो मेरे पास दूध लेने के लिए मत आना भाई। भैंस जिस दिन ज्यादा पानी पी लेती है उस दिन दूध पतला हो जाता है, और जिस दिन मेरी भैंस कम पानी पीती है तो उस दिन गाढ़ा दूध होता है। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, भैंस की गलती है। तो लालू जी अपनी भैंस को कम पानी पिलाया करो, तभी गाढ़ा दूध देगी। केजरीवाल जी एक बात बताओ, तुम कम पानी पी लोगे? मैं तो अपनी भैंस को जबरदस्त पानी पिलाता हूँ, इसीलिए दूध पतला होता है। और भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे मोदी जी, गड्ढे उड्ढे में ऑटो रिक्शा को हल्के से डालना, मैं पीछे लटका पड़ा हूँ बिल्कुल, कहीं मैं गिर उड़ ना जाऊँ। मेरी एक बात समझ में नहीं आती है, आप अपने ऑटो रिक्शा को
इतना ओवरलोड भर क्यों लेती हो? सवारी बिल्कुल पार तक लटकी हुई है। अमिता जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। जरा एक बात बताओ, मैं गांव से शहर ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, अगर मैं कम सवारी भर के अपने ऑटो रिक्शा में ले जाऊंगा तो काम चल जाएगा? बस आप बाहर लटकी हुई सवारी से मेरी एक ही विनती रहती है, पकड़ के सही से रखना ऑटो रिक्शा को। महोदय जी, हम तो सही से पकड़े हुए हैं अपने ऑटो रिक्शा को। वो देखो, सामने थानेदार योगी सर जी खड़े हुए मिल रहे हैं, कहीं वो आपके ऑटो रिक्शा को ना पकड़ ले। अरे लालू जी, ये कहाँ से सामने पड़ गए, ये तो बड़ा दिक्कत कर देंगे। कई बार मैं इनसे बचते बचाते निकलता हूँ, लेकिन यही सामने आके पड़ जाते हैं। रोको मोदी जी, रोको अपने ऑटो रिक्शा को, यही पे रोको। योगी सर जी, ऑटो रिक्शा को रोक तो लिया, और कितना रोकूं? मोदी जी, मुझे आपकी तलाश थी, कई दिन से मैं आपकी तलाश कर रहा था, आखिरकार आप मिल ही गए। ये बताओ मोदी जी, थोड़ी बहुत सवारी और नहीं थी, और बैठा लेती अपने ऑटो रिक्शा पर? नहीं होगी सर जी, और सवारी नहीं थी, और सवारी होती तो और भी बैठा लेता मैं। मोदी जी, मजाक करते हो मुझसे? मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ मैं। आप इतनी ज्यादा सवारियों को बाहर लटका के ले जाते हो, आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता? आपके ऑटो रिक्शा का अभी चालान काटता हूँ ओवरलोड में। मोदी जी, चलाओ ना अपने ऑटो रिक्शा को, जल्दी से मुझे शहर पहुँचाओ, नहीं तो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। अखिलेश, तुम्हें अपनी ट्रेन छूटने की पड़ी है, पहले योगी जी मेरे ऑटो रिक्शा को तो छोड़े। अगर इन्होंने मेरे ऑटो रिक्शा को नहीं छोड़ा तो तुम्हारी ट्रेन वाकई में छूट जाएगी। योगी सर जी, इस बार मेरा चालान मत काटो, इस बार मेरे ऑटो रिक्शा को छोड़ दो। आज के बाद मैं अपने ऑटो रिक्शा पे ओवरलोड सवारी नहीं बैठाऊंगा। मोदी जी, चालान तो कटेगा ही कटेगा आपके ऑटो रिक्शा का, चाहे कुछ भी कर लो। थोड़ी बहुत सवारी होती आपके ऑटो रिक्शा पर तो छोड़ देता। वैसे नियम के हिसाब से आप अपने ऑटो रिक्शा पे कितनी सवारी बैठा सकती हो, और इस टाइम कितनी सवारी है बताओ मुझे। योगी जी, मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि मेरा भी ऑटो रिक्शा था, नियम के हिसाब से ये अपने ऑटो रिक्शा पे 5 सवारी बैठा सकते हैं, और इस टाइम इनके ऑटो रिक्शा पर अंदर और बाहर कम से कम 15 सवारी हैं। राहुल, तुम्हें सारा का सारा चिट्ठा खोल कर योगी जी के सामने रखने की क्या जरूरत थी? अब तो ये हर हाल में चालान काट देंगे मेरे ऑटो रिक्शा का। चलो मोदी जी, अच्छा ही हुआ, आज के बाद अगर आपके ऑटो रिक्शा का चालान कट जाएगा, उसके बाद कम से कम आप हमें बाहर तो लटका कर नहीं लाओगे। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और लालू जी, केजरीवाल जी, कैसे हमारे घर की तरफ आज रुख कर लिया आपने? कैसे आज आप हमारे घर की तरफ चले आए, कुछ तो बताओ। मोदी जी, कुछ नहीं, घर पे खाली बैठे बैठे काफी वक्त हो गया था, हमने सोचा चलो मोदी जी से ही मिल के आते हैं, दो चार दिन मोदी जी के यहाँ मेहमान बन के ही रह लेंगे, क्योंकि मोदी जी आप भी तो हमारे घर पर मेहमान बन के चले आते हो। लालू जी, वो बात तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आपका घर है, आप आ गए, बहुत अच्छी बात है। और बताओ, इस बार की फसल उसल कैसी हुई केजरीवाल जी? हाँ मोदी जी, फसल उसल अच्छी हुई है, फसल अच्छी होती तो आपके यहाँ पर मेहमान बन के आते। अब सोच रहे हैं कुछ दिन आपके यहाँ पर ही वक्त गुजार ले, अगली फसल जब आएगी तब आप हमारे यहाँ पर मेहमान बन के आ जाना। वो सब तो ठीक है केजरीवाल जी, लेकिन ये बताओ हमारी भी इस बार की फसल कौन सी अच्छी हुई है? लेकिन कोई बात नहीं, आप दोनों मेहमान बन के आए तो कुछ ना कुछ तो खातिरदारी आपकी करेंगे ही हम। लेकिन मोदी जी, एक बात बताओ, हमारी मेहमान नवाजी कब करोगे आप? एक घंटा तो हो गया हमें आपके पास यहाँ पर घर पे आकर बैठे हुए, अरे आप खाट से हिल ही नहीं रहे। अरे इतनी दूर गर्मी में चल के हम दूसरे गांव से आपके घर पे आए हैं मेहमान बन के, कम से कम जलपान का तो इंतजाम करो। आप हमारे घर जाकर बात को बैठते हैं, उससे पहले ही हम चाय पानी लेकर आते हैं। लेकिन ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, कितनी देर से मैं और केजरीवाल जी बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक आपने हमसे जलपान तक के लिए नहीं पूछा। और ये भाई साहब कौन बैठे हुए हैं आपके बराबर में? अरे भाई साहब, मैं भी मोदी जी के यहाँ पर मेहमान बन के आया हूँ, मैं तो सुबह से यहाँ पर आकर बैठा हुआ हूँ, आपको तो एक ही घंटा हुआ है यहाँ पर आए हुए, सुबह से इन्होंने मुझे एक घूंट पानी तक नहीं पिलाया है। आप जलपान की बात कर रहे हो? राहुल, ये तो तुम्हारी गलत बात है, जब से तुम यहाँ पर मेरे पास आए हो तब से मैं तुमसे बातें ही कर रहा हूँ, और बड़े लोग हमेशा कहते हैं खाना पीना ही सब कुछ थोड़ी होता है, दो मीठे बोल बोल लो, वो ही बहुत कुछ होता है। अब खाने का वक्त होगा तो तुम तीनों को लिए मैं खाना बना दूंगा। अरे तुम तीनों लोग मेहमान बन के आए हो तो मेहमानों की खातिरदारी करना मेरा फर्ज है। वो अलग बात है, मेरी भी इस बार की फसल पूरी की पूरी बाढ़ में बह गई, मेरे घर भी कोई खाने पीने को कोई ज्यादा अनाज बचा हुआ थोड़ी है, लेकिन तुम मेहमान हो, तुम्हारी खातिरदारी जरूर करूंगा मैं, चाहे अखिलेश की किराना दुकान से कुछ सामान उधार लाना पड़े। लेकिन एक बात तो कहूंगा मैं तुम तीनों लोगों से, बड़े बुरे वक्त भी आप मेरे यहाँ पर मेहमान बन के आए हो। और भाई लोगों, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।